हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। नाज़रीन, माय नेम इज़ तहलील खान फ्रॉम फुटबॉलो, और हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। सो सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊंगा आपको कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जितनी जल्दी हो सके, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मेरी मिलती रहे। शुक्रिया। तो लेट गेट स्टार्ट। जी गाइस, तो आप लोगों को तो पता ही है कि 14 अगस्त आने वाली है, और 14 अगस्त जो है बहुत करीब है। उस 14 अगस्त पे जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 को, लोग कहते हैं। सो और हमें ये पढ़ाया भी गया है इसमें ना, बुक्स के अंदर हमने पढ़ा भी है कि 14 अगस्त को जो है 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ। रिसर्च है मेरी, आगे हुआ है। अच्छा, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बहुत करीब आ रही है 14 अगस्त, और उससे पहले बकरा ईद भी आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारक पेश करना चाहूँगा आप व्यूअर्स को कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इतने प्यार मोहब्बत से। तो मेरा इतना तो बनता है कि मैं मुबारकबाद दूँ, और जश्न आज़ादी मुबारक। ये रिवॉर्ड आपको ही जाएगा, और बहुत अच्छे से गुजारिएगा ईद। ईद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 13th of August की पड़ रही है, और फिर उसके 14th August आ जाएगी। तो ये हमारे पास बड़े अच्छे ओकेजन आ गए हैं। उसके अभी 15 August को इंडिया वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया वालों को, क्योंकि उनका भी दिन है, इंडिया इंडिपेंडेंस डे। सो आप लोग के पास कोई ऐसा मटेरियल है जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं 14 अगस्त के हवाले से, या बकरीद के हवाले से, कि बकरीद में कुछ ऐसी खसूसियात बयान बताएं, या 14 अगस्त जो है उसमें क्या क्या ऐसी कॉमेंटिक पावर होनी चाहिए कि जिसमें हम लोग बैठ के बात कर सकें आपस में, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 14 अगस्त से पहले ही आपने बताना है, तभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपसे, आपके सामने। सो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। मैं चलता हूँ, रात का जाग रहा हूँ, तो सोना है अभी। सोने के बाद जो है फिर उठ के नमाज़ें पढ़नी है, और बस मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।